गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डिडल की रसोई। और आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ ब्रेड स्लाइसेस की दो नई रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि इस ब्रेड स्लाइस की मैं कौन सी रेसिपी अपने किचन में आज बनाने वाली हूँ। तो ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने चार स्लाइसेस लिए हुए हैं ब्रेड के। मेरे पास व्हाइट ब्रेड है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो मैं इन ब्रेड स्लाइसेस से आज एक नमकीन और एक मीठी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो नमकीन रेसिपी जो है वो मेरा पोटैटो स्टफ ब्रेड रोल है, और जो इसकी मीठी रेसिपी है वो बनाना स्टफ रोल होगा। तो पोटैटो स्टफ्ड ब्रेड रोल जो है उसे बनाने के लिए, उसकी स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ लिया हुआ है दो छोटा उबला हुआ आलू, 6 से 7 कड़ी पत्ते, एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा धनिया का पत्ता, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच जीरा। इनमें मैं सूखे मसाले ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, जीरा धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गोल मिर्च पाउडर। बनाना स्टफ्ड ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया हुआ है 1 छोटा इलायची केला, 1 छोटा चम्मच चिरौंजी, 8 से 10 किशमिश, 3 पिस्ता बारीक कटे हुए, 3 बादाम बारीक कटे हुए, 1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची कूटी हुई और 1 छोटा चम्मच शक्कर। यहाँ मैंने पैन में 1 छोटा चम्मच घी गरम कर लिया हुआ है। अब मैं इसमें ये पके हुए केले ऐड करूँगी। और इन्हें अच्छी तरह पका लूंगी। इस केले को मैंने हार्डली 2 मिनट तक पकाया हुआ है। अब मैं इसमें ये सारी चीजें एक साथ ऐड करूंगी। गैस की आंच जो है वो मैंने बिल्कुल ही धीमी रखी हुई है। इन सब चीजों को भूनते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी और वापस से इसी पैन में मैं 1 चम्मच घी वापस से गरम करूंगी। घी गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये जीरा डालकर स्प्लटर होने दूंगी। जीरा स्प्लटर हो रहा है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये बारीक कटी हरी मिर्च, प्याज और कड़ी पत्ते। इन्हें मैं हार्डली 2 से 3 मिनट के लिए भून लूंगी। प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये सारे सूखे मसाले, 1/2 छोटा चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा धनिया पाउडर मिक्स है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। इन सब चीजों को ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट तक वापस से भूनेंगे। और इसमें ये उबले हुए आलू और धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इन सब चीजों को वापस से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। मैंने गैस की आंच जो है अभी मीडियम टू लो रखी हुई है। तीन
मिनट हो चुके हैं, मसाले और आलू अच्छी तरह भुन चुके हैं, एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और ये मेरे जो दोनों मिश्रण है उन्हें ठंडा होने देती हूँ। ये मेरी स्टफिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है। अब मैं ब्रेड स्लाइसेस को अच्छी तरह से बेल लूंगी और बेल के इसे बिल्कुल पतला कर लेना है। हमें इसी तरह सारे स्लाइसेस को बेल लेना है। ये मेरे चारों ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं मैंने उन्हें बेल लिया है। अब मैं बनाना स्टफ्ड ब्रेड रोल पहले रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने जो स्टफिंग रेडी करी हुई है उसे इस तरह शेप दे दूंगी और ब्रेड के एक किनारे पर इस तरह रख लूंगी। उसी तरह मैं ये दूसरी वाली स्टफिंग भी शेप दे लेती हूँ। और ये मैंने एक आटे और पानी का घोल तैयार किया है, तो मैं इस ब्रेड स्लाइसेस के चारों किनारों पर इसे लगा लूंगी। और इसे रोल कर लूंगी। इस तरह रोल करने के बाद हमें इसके किनारों को भी बंद कर लेना है। इसी तरह मैं ये दूसरी स्टफिंग भी रेडी की हुई है उसे भी स्टफ कर लेती हूँ। ये मैंने कढ़ाई में तेल भी गरम कर लिया हुआ है। अब मैं इन्हें डीप फ्राई कर लूंगी। इन्हें हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। एक रोल को फ्राई करने में मुझे हार्डली 2 मिनट लगे हैं। जिस तरह मैंने बनाना स्टफ्ड रोल रेडी किया है उसी तरह मुझे पोटैटो स्टफ्ड रोल भी तैयार कर लेना है।
ये मेरे रोल्स बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हमें गोल्डन फ्राई करना था, मैंने कर लिया है। अब चलिए हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो ये मेरे बनाना स्टफ्ड ब्रेड रोल और पटेटो स्टफ्ड ब्रेड रोल अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको मेरे ये स्वीट एंड सॉल्टी ब्रेड रोल्स यानी कि पटेटो स्टफ्ड ब्रेड रोल्स एंड बनाना स्टफ्ड ब्रेड रोल्स जो है वो पसंद आए होंगे। इसे बनाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा और आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।